नमस्कार। पूरा देश एक लीकेज से गुजर रहा है और ये लीकेज किसी पानी का लीकेज नहीं है, ये पेपर का लीकेज है। और पेपर का लीकेज जो होता है वो वर्तमान का लीकेज ही नहीं होता है, भविष्य का लीकेज होता है। भविष्य के लीकेज का मतलब है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बड़ा खतरनाक होता है। और ऐसे में परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एक नई नीति लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनके निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने के लिए और धांधली को खत्म करने के लिए कुछ फुल प्रूफ इंतजाम करने की बात कही गई है। कैसे क्या इंतजाम ये कर रहे हैं इसको देखेंगे और देखेंगे, आप अपना विचार भी इसमें दे सकते हैं कि कैसे पेपर लीक रुकेगा। क्योंकि एग्जाम देने से पहले ही जब दिमाग में ये रहता है कि पेपर लीक हो जाएगा तो कोई तैयारी कैसे कर सकता है। एग्जाम देने से पहले ही अगर ये पता हो कि पेपर लीक होने से बचेगा नहीं तो लोग लीकेज के लिए ही जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं, ना कि वो तैयारी करते हैं। इन्होंने कहा कि जो ये पेपर लीक हो रहा है, पेपर परीक्षा केंद्रों से लीक हो जा रहा है, तो हम गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने के लिए लोगों को कहेंगे अपने जिले में ये ना दे परीक्षा। पहले जब ये मुद्दा उठाया गया था तो ये बात समझ में नहीं आई थी। पहले भी छात्रों के द्वारा ये कहा गया था कि अपने गृह जनपद में अपने घर के पास पेपर जब देना होगा किसी को तो वो इंतजाम कर लेगा नकल का, लेकिन ऐसा पहले गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया। परीक्षा केंद्रों का आवंटन इन्होंने कहा कि अब हम गृह मंडल से बाहर करेंगे, केवल जिला ही नहीं। अगर आप फैजाबाद मंडल के रहने वाले हैं तो आप देवीपाटन मंडल में पेपर दीजिए, अगर आप लखनऊ मंडल के रहने वाले हैं तो आप किसी दूसरे मंडल में जाके पेपर दीजिए, बरेली मंडल में चले जाइए, आसपास के मंडल आपको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन मंडल चेंज करके ही पेपर कराया जाएगा, लेकिन दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए उसी मंडल में व्यवस्था की जाएगी। इन्होंने ये कहा है कि दिव्यांग और महिलाएं, क्योंकि इतनी दूर उनको भेजा जाना उचित नहीं है, तो इनके लिए वहीं पर व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्रों का जो चयन होगा वो रैंडम आधार पर किया जाएगा, कोई सीक्वेंस वैसे नहीं होगा कि इनको ये केंद्र दिया गया, उनको वो केंद्र दिया गया, रैंडमली इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये तो बात हो गई परीक्षा केंद्रों की। अगली बात आती है कि परीक्षा केंद्रों के अलावा वहां पर व्यवस्था कैसी होगी, परीक्षा केंद्र कहाँ पर होंगे। बहुत रिमोट एरिया में परीक्षा केंद्र होते हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता, चेक करने वाला कोई पहुंच नहीं पाता, और वहां पर जो भी हो रहा होता है होता रहता है, चाहे पेपर आउट हो चाहे नकल हो। इन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेजरी ऑफिस से 10 किलोमीटर के अंदर ही परीक्षा केंद्र होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपके ट्रेजरी ऑफिस में कोषागार में रखे जाते हैं और वहां से पेपर सेंटर पर पहुंचाना होता है। ऐसे में अगर 50 किलोमीटर दूर पेपर लेके जाना है तो रास्ते में भी धांधली हो सकती है। इस कारण से इन्होंने कहा कि कोषागार के पास में ही रखा जाएगा, रेलवे स्टेशन के पास में ही रखा जाएगा, और केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का शहर की आबादी के अंदर होगा, तभी अलॉटमेंट दिया जाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा। 3 श्रेणियों में इन्होंने परीक्षा केंद्रों को रखा है। पहली श्रेणी है श्रेणी ए, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज जो GIC होते हैं, जो राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं, राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज, इनको रखा गया है, यहाँ पर सेंटर अलॉट किया जाएगा। बी श्रेणी में जो ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूल हैं उनमें सेंटर रखने की बात कही गई है, जिनके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि ये पेपर करा सकते हैं या नहीं, और एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई है जिसमें विवादित स्कूलों और कॉलेजों को रखा गया है, उनको सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा, वो किसी भी तरीके से पेपर कराने के लिए सही नहीं माने जाएंगे। अगली बात इन्होंने कही है कि परीक्षा के दौरान कैसे सुरक्षा होगी, STF व पुलिस के संपर्क में परीक्षा के दौरान ये लोग रहेंगे, और परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी, परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी, परीक्षार्थियों की कड़ी जांच करके उनको भेजा जाएगा। कोई डिवाइस लेके तो कोई नहीं जा रहा है, कहीं पर कोई नकल कोई पुर्ची लेके तो नहीं जा रहा है। वैसे मैं बताऊं कि पुर्ची लेके यहाँ पर जाके कोई नकल की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये कोई वैसा एकेडमिक एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर जब नकल होती है तो पेपर पहले ही लोगों को मिल जाता है, पेपर पहले ही लोगों के पास पहुँच के आंसर पहले पहुँच जाता है, लोगों को रटा दिया जाता है और रटा के फिर नकल होता है। तो बायोमेट्रिक, आधार कार्ड, ये सब मिलान करके, कई बार लोग दूसरे की जगह पे पेपर देते हैं तो बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा, आधार कार्ड मैच कराया जाएगा। कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन, परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले, यहाँ पर जो ये बात इन्होंने कही है कि 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। इधर पाया गया RO का पेपर जो लीक हुआ था, या कई पेपर जो इधर लीक हो रहे हैं उसमें सेंटर पे पेपर लीक होने की बात भी आई है,
और ये भी शक किया जा रहा है कि सेंटर से पेपर लीक हुआ, अभी कुछ पुख्ता कहा नहीं जा रहा है। तो जो कच्छ निरीक्षक होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत हो सकती है, तो ऐसा करने की बात हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ रहेगा, 50% स्टाफ बाहर का होगा, और जो स्टाफ बाहर का होगा वो माना जाएगा कि स्कूल के साथ मिलीभगत करके काम नहीं करेगा। तो जो परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ होगा उसमें 50% बाहर का, और परीक्षा केंद्रों पर तैनात होने वाले कर्मियों पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो कुछ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि नकल उससे भी हो सकती है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए कुछ इन्होंने कहा है कि गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड की व्यवस्था की जाएगी, QR कोड की व्यवस्था की जाएगी। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले से भी होता आया है। यूनिक सीरियल नंबर होगा, पहले से ही रहता है। जरूरत पड़ने पर सुरुज के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाए, तो ये सारी चीजें पहले से होती हैं, इसको और अपग्रेड करने की बात हो रही है। प्रश्न पत्र लाने ले जाने के लिए ऐसे एक बक्सा होगा, और बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग कर दी जाएगी, उसको लॉक कर दिया जाएगा, बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। पहले से जब प्रश्न पत्र सेट होते हैं तो कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको सेट करने के लिए पर्याप्त समय होगा। और जो छापने वाली एजेंसी है, परीक्षा नियंत्रक जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं, उनके द्वारा नियमित उसका परीक्षण भी किया जाएगा, क्योंकि यूपी कमीशन के जो पेपर लीक हुए हैं उनमें माना जाता है कि पेपर परीक्षा एजेंसी के द्वारा भी लीक किए गए हैं, ऐसा भी शक है। तो इसको फुल प्रूफ इंतजाम करने की पूरी तैयारी में गवर्नमेंट है। आगे हम बात करें कि ये जो पेपर हो रहा है, कैसे ये पेपर तैयार किया जाएगा जिससे कि पेपर लीक ना हो। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता तो रहेगी ही, आने जाने वाले लोगों की जांच होगी, सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। फिर इन्होंने कहा कि जो प्रश्न पत्र तैयार होंगे, प्रश्न पत्र तैयार करने में हर परीक्षा के लिए 2 या इससे अधिक सेटों को तैयार किया जाएगा। 2 या अधिक सेटों को तैयार करने की बात इसलिए की जा रही है कि किसी को पता ही ना चले कि कौन सा पेपर वास्तव में एग्जामिनेशन के लिए रखा जा रहा है। प्रश्न पत्र जब छपेगा तो प्रत्येक सेट का पेपर अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से तैयार कराते हुए अलग अलग छपाया जाएगा, जिससे कि पता ना चले कि किस एजेंसी का पेपर वास्तव में रियल एग्जाम में जा रहा है। अभी तो केवल पेपर छप रहा है, लेकिन एग्जाम में कौन सा पेपर जाएगा वो किसी को पता ही ना चले, अलग अलग एजेंसियों में छपे होंगे। परीक्षा से 5 घंटे पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा सेट इस्तेमाल होने जा रहा है परीक्षा में, यानी कि दोनों तीनों सेट जो भी तैयार किए जाएंगे उनको ट्रेजरी में कोषागार में भेज के रख दिया जाएगा। और उसके बाद में जब पेपर होने वाला होगा उसके 5 घंटे पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा पेपर जा रहा है। मल्टीपल सीरीज होंगी, जैसे 4 सेट ABCD आप अभी देख रहे हैं, अब ये कह रहे हैं 8 सेट भी तैयार किए जा सकते हैं, है ना, EFGH यहां तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और मल्टीपल सीरीज से ये होगा, अलग अलग सीक्वेंस भी उसमें रखा जाएगा, जिससे कि नकल एग्जामिनेशन हाल के अंदर भी ना हो पाए। एक एग्जामिनेशन हाल के अंदर अगर 24-30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए कि एक यहाँ जिस सीरीज का बैठा है तो दूसरा उस कोने में बैठा है, वो एक दूसरे से हेल्प नहीं ले सकते हैं। ये उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें ये सावधानी बरती जाएगी। OMR सीट की व्यवस्था 3 सेटों में इस बार करने की बात की गई है, मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, और दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी जो है अभ्यर्थियों के पास होगी। यानी कि 3 सेट होंगे जो आप OMR जिस पे आप गोला बनाते हैं, तो एक सेट आपके पास आयोग के पास जाएगी, एक सेट आपके पास रहेगी, और तीसरा जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है ये कोषागार के पास रख दिया जाएगा, कभी भी भविष्य में कोई विवाद हो तो तीनों प्रतियों का मिलान किया जा सके। तो आप अपनी सीट को भी आप पेपर दे के आएंगे तो उसको सही से रखेंगे, कार्बन कॉपी जो आपको मिलती है उसको सही से रखेंगे। एक आयोग के पास, एक सीलबंद कोषागार और एक अभ्यर्थी को दी जाएगी। और इस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पर भी कोई एक भी लूप होल ना रहे जहां से पेपर आउट हो पाए या नकल हो पाए। ये व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करने जा रही है। एजेंसियों की जिम्मेदारियों को भी रखा गया है। एजेंसियों का चयन अति गोपनीय तरीके से किया जाएगा। इसमें 4 श्रेणी की एजेंसी रखने की बात हुई है। एक एजेंसी ए होगी जो प्रश्न पत्र तैयार करेगी, छपवाएगी और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाएगी। एक एजेंसी बी होगी
जो परीक्षा कराएगी, इसमें परीक्षा जो प्रश्न पत्र परीक्षा के हैं कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी, परीक्षा के केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाने की जो भी बात है वो बी एजेंसी जाने, उसके जिम्मे होगा। बोर्ड की बात बार बार क्यों कही जा रही है, क्योंकि सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की आयोग ही नहीं कराता है, कुछ बोर्ड के द्वारा भी होती है, जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड है, ऐसे अन्य बोर्ड हैं, तो इसीलिए आयोग या बोर्ड की बात की जा रही है। तीसरी एक एजेंसी होगी जो परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएगी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाएगी, बायोमेट्रिक कैप्चर वही करेगी, फिक्सिंग वही करेगी, और जो आप CCTV की बात आती है वो वही करेगी, और कंट्रोल रूम की व्यवस्था उसी के पास ही होगी। एजेंसी डी एक होगी जो MR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराने का काम करेगी। अब यहाँ पर भी एक डाउट हो सकता है कि ये इतनी एजेंसियां और इनको संभाल पाना आसान काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारे काम आज एजेंसी के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कितनी सफल हो पाएगी ये डिपेंड करेगा कि ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं। इस तरीके से पूरी परीक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए आयोग और सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। आयोग को तो सरकार जैसा कहेगी वैसा आयोग कराएगा। तो ये जितने भी स्टेप हैं इनको ध्यान रखिए, कहीं भी अगर आपको लगे कि इन स्टेप को फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे स्कूल लेवल पर, चाहे आप देखें कि परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार हो रहे तो आपको कुछ पता चल रहा है अरे ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने ये कह दिया है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, सरकार का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और बात करते हैं ऐसे किसी मुद्दे पे। थैंक यू सो मच।